हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, जब गर्ल्स के मेकअप किट की बात हो तो लिपस्टिक एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है जो हर किसी के किट में आसानी से मिल जाएगा। भले ही आपको मेकअप करना बहुत अधिक पसंद ना हो, तब भी लिपस्टिक आपके मेकअप किट का एक हिस्सा जरूर होगी। मेकअप करते समय जब तक आप लिपस्टिक को अप्लाई नहीं करते, तब तक आपका मेकअप कम्प्लीट नहीं होता। बिना लिपस्टिक के पूरा लुक ही अधूरा नजर आता है। कुछ गर्ल्स लिपस्टिक के जगह लिप बाम का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसमें भी हल्का सा कलर होता है जो आपके होठों को खूबसूरत बना देता है। वहीं मार्केट में आपको मैट लुक से लेकर ग्लॉसी तक लिपस्टिक के बहुत सारे टाइप आपको आसानी से मिल जाएंगे। गर्ल्स अपनी पसंद व मौसम को देखते हुए लिपस्टिक खरीदती है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो सालों से लिपस्टिक का इस्तेमाल करती आ रही हैं। लेकिन क्या आप अपनी फेवरेट लिपस्टिक के बारे में सब कुछ जानती हैं? आप कहेंगी हाँ, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। लिपस्टिक से जुड़े ऐसे बहुत सारे फन फैक्ट्स हैं जिसके बारे में केवल कुछ ही महिलाएं जानती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको लिपस्टिक से जुड़े अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। जैसे लिपस्टिक की शुरुआत कब हुई थी, दुनिया में सबसे महंगा लिपस्टिक कौन सा है, लिपस्टिक को स्मज प्रूफ कैसे बनाया गया, और कुछ ऐसे भी देश है जहाँ दुल्हनों को लिपस्टिक लगाना बैन है। पुराने फिल्मों में ब्लैक कलर की लिपस्टिक क्यों लगाए जाते थे, तो चलिए जानते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। नंबर वन, इतिहास में बहुत पहले से ही कुदरती लिपस्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रंग वाले फल फूल पौधे का रस भी लिपस्टिक के रूप में इस्तेमाल होता है। नंबर टू, लिपस्टिक बनाने में विटामिन ई, एलोवेरा, धूप से बचने के लिए कुछ पदार्थ और एमिनो एसिड भी डाला जाता है। नंबर थ्री, क्या आपको पता है फ्रिज में रखने से लिपस्टिक ज्यादा समय तक चलती है और खराब नहीं होती। नंबर फोर, आधुनिक युग की लिपस्टिक बनाने के लिए ज्यादातर मोम तेल रंग का प्रयोग होता है। नंबर फाइव, रानी एलिजाबेथ से पहले तक लिपस्टिक को वेश्याओं का सिंगार समझा जाता था। उस समय केवल निजी जात की औरतें ही लिपस्टिक का इस्तेमाल करती थी। नंबर सिक्स, मशहूर हॉलीवुड अदाकारा मार्लिन मुनरो केवल लाल लिपस्टिक का ही इस्तेमाल करती थी। नंबर सेवन, 1880 में दुनिया की पहली व्यावसायिक लिपस्टिक को मार्केट में उतारा गया है। नंबर एट, बरसात के मौसम में अधिक लिपस्टिक बिकती है। नंबर नाइन, पहले के समय में महिलाएं हर शेड की लिपस्टिक को लगाती थी, न्यूड, रेड, पिंक और यहां तक कि ब्लैक एंड व्हाइट रंग की भी। वर्ष 1960 के करीब मॉड कल्चर के उदय के दौरान लोगों ने होठों पर सफेद लिपस्टिक लगाना शुरू किया। इसी दौर से सफेद लिपस्टिक का चलन शुरू हुआ। नंबर 10, 70% लोगों का मानना है कि लाल लिपस्टिक सच में अट्रैक्टिव और सेक्सी लुक देता है। नंबर 11, लिपस्टिक का 15% हिस्सा मुंह धोते हुए वेस्ट हो जाता है। नंबर 12, कहा जाता है कि जो महिलाएं रोजाना लिपस्टिक लगाती हैं, वह जीवन भर में लगभग 2 किलो लिपस्टिक खा जाती है। नंबर 13, यदि आपको लगता है कि लिपस्टिक कभी किसी के रिलेशनशिप में रोड़ा कैसे बन सकता है, तो जरा इंग्लैंड के ट्यूडर काल के इस कानून को पढ़ ले। उस दौर में वहाँ एक कानून पास किया गया था कि यदि कोई महिला अपनी शादी के समय लिपस्टिक लगाई, तो उसके होने वाले पति को उसी वक्त शादी तोड़ने का पूरा हक है। शुक्र है आज यह कानून मान्य नहीं है। नंबर 14, दुनिया की सबसे महंगी लिपस्टिक गुअरलैन की एक्सक्लूसिव किस किस गोल्ड डायमंड लिपस्टिक, जिसकी कीमत तकरीबन 42,61,570, जानकर हैरान रह गए। तो चलिए इस लिपस्टिक के बारे में भी जान लेते हैं। यह केवल लिपस्टिक की एक ट्यूब भर नहीं है, यह 199 डायमंड और 110 ग्राम सोने से बनी हुई है। अब आपको इसका दाम सही लग रहा होगा। नंबर 15, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल ने कॉस्मेटिक में केवल लिपस्टिक का प्रोडक्शन जारी रखा था, क्योंकि उनका मानना था कि यह मनोबल बढ़ाती है। नंबर 16, क्वीन एलिजाबेथ को लिपस्टिक से बेइंतहा प्यार था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी खराब सेहत के दौरान व मौत के ठीक पहले भी लिपस्टिक लगा रखी थी। उनके प्यार की सीमा आप इस बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने लिपस्टिक को करेंसी की तरह इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रखी थी। नंबर 17, लिपस्टिक के शेड्स की चमक बढ़ाने के लिए आज भी मछली के स्केल्स यानी उसकी ऊपरी सुरक्षात्मक आवरण का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 18, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन पुराने समय में सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी लिपस्टिक का इस्तेमाल किया करते थे। इतना ही नहीं, पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने भी लिपस्टिक लगाई थी।
नंबर 19, जब लिस्टिक की खोज हुई थी तो वह स्मज प्रूव नहीं थी। असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान केमिस्ट हेजल विशप को एक डेमोटोलॉजिस्ट लेबोरेटरी में काम करते वक्त किस प्रूफ फॉर्मूला मिला और इस तरह दुनिया को मिली स्मज प्रूफ लिपस्टिक। नंबर 20, क्या आपने कभी सोचा है पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में महिलाएं ब्लैक लिपस्टिक क्यों लगाती थी? उस समय स्क्रीन टेक्निक काफी संवेदनाशील थी, इसलिए लाल रंग की बजाय अभिनेत्री काले रंग की लिपस्टिक लगाती थी ताकि स्क्रीन पर काला रंग सही से नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। आपको हमारे बताए हुए फैक्ट्स कैसे लगे? क्या इससे पहले ये आप फैक्ट जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।